और ब्रेकिंग लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आफ्टर ऑल इट्स अ रेसिंग बाइक। वाओ सो हे गाइस, हाउ यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ द 250 ड्यूक जेन 3। जब शुरू में ये बाइक लॉन्च हुआ था तो लिटरली मेरे को इसका लुक बहुत घटिया लगता था, बट धीरे धीरे जब लोगों के सामने पड़ रहे तो मेरे को भी ये अच्छा ही लगने लगा है। आज मैं आप लोगों को इस बाइक के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल्स देने की कोशिश मैं करूँगा। इसे अब राइड करने वाले हैं। चलो, घर के पास ही हूँ, यहीं से शुरू कर रहा हूँ वीडियो क्योंकि कभी अच्छा सनलाइट आ रहा था। पहले आप लोगों को इसका एग्जॉस्ट नोट सुना देता हूँ। तो कुछ ऐसा है। फीचर्स तो बहुत सारे मिलते हैं आप लोगों को, बट एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। इसका सबसे पहला हाईलाइटेड फीचर मेरे को सबसे ज़्यादा यही लगा कि इसमें क्विक शिफ्टर मिलता है आप लोगों को। तो 250 सीसी के सेगमेंट में आप लोगों को क्विक शिफ्टर मिलना, भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये। और माइलेज मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दे रहा हूँ, 25 to 30 के अंदर रहता है माइलेज। एवरेज आप लोग 25 ही पकड़ लो क्योंकि चलाने के ऊपर डिपेंड करता है आफ्टरऑल। अभी चलो राइड करते, देखते, हाईवे की तरफ चलते थोड़ा सा। पुराने वाले ड्यूक 250 की तरह सब कुछ चैसी भी सेम है, मतलब मैक्सिमम चीज़ें सेम ही है, बट एर्गोनॉमिक्स इसके काफ़ी चेंज हो चुके हैं। सो अभी हम हाईवे पे आ चुके हैं, थोड़ा खींचेंगे, लेट्स पुल अ बिट एंड देखते। दूर हो, चलो भाई, इतना ज़्यादा पावर भी एक्सपेक्टेड नहीं था भाई। 100 तो ये चुटके में निकल जाएगा यार, क्या ही बोलो। अभी बिजी रोड है, ज़्यादा खींच भी नहीं सकते, थोड़ा रिस्की हो जाता है। बस दिखाना था आप लोगों को तो दिखा दिया। चलो यहाँ जाके आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा दोस्तों। क्या व्यू आ रहा है यार। तो यहाँ पे थोड़ा रुक के आप लोगों को स्पेसिफिकेशंस बताते और थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लेते, उसके बाद घर की तरफ बढ़ेंगे। काफ़ी सुंदर जगह है यार, बहुत सुंदर जगह है। Here is our bike. इतना प्यारा लग रहा है दोस्तों, वाओ, सीरियसली बहुत सही लग रहा है यार, बहुत सही, वाओ। पीछे आप लोगों को मोनो शॉक सस्पेंशन मिलता है, एडजस्टेबल है। 249.7 सीसी का इंजन मिल जाता है आप लोगों को यहाँ पे। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल की बात करूँ तो सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को डिजिटल ही मिलेगा, पूरा फुल्ली डिजिटल है। सब कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होगा। और लाइट का सेटअप सब कुछ आप लोगों को एलईडी ही मिलेगा। टर्न सिग्नल्स, इंडिकेटर, ये भी एलईडी, सामने का भी एलईडी, पीछे का भी एलईडी। मतलब क्या, कैसे बताओ आप लोगों को, सब लोगों के पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कैसा लुक पसंद है। बट मेरे को पर्सनली पहले वो वाला अच्छा लगता था, बट अभी ये वाला अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पे आप लोगों को ड्यूक 250 का बैजिंग मिल रहा है। और पीछे का टेल लैम्प भी काफ़ी प्यारा है, देखो डुअल चैनल ABS, स्लिपर क्लच, उसके ऊपर से क्विक शिफ्टर। ये मुझे सरप्राइज कर दिया टोटली क्विक शिफ्टर ने। और क्विक शिफ्टर मैं पहली बार चला रहा हूँ, सो KTM का जो खानदानी कलर है ऑरेंज वो तो रहेगा ही। और एक कलर आता है वो थोड़ा ब्लूइश टाइप का है, ये वाला कलर मेरे को बहुत सही लग रहा है, बहुत स्टैंड आउट कर रहा है लोगों के मतलब आँखों में, मतलब पूरा पॉप करेगा। और एक बार एग्जॉस्ट आप लोगों को सुनाया था, वहाँ पे तो शोर वोर था, यहाँ पे तो कोई शोर वोर नहीं है, अब तो अच्छे से सुनाया था। और ये इसका स्टाइल भी अलग है, देखो एग्जॉस्ट कहाँ पे देखोगे, यहाँ पे। बहुत स्पोर्टी साउंड है। सो सामने का आप लोग डिस्क देख सकते हो, कितना बड़ा सा डिस्क है। और ब्रेकिंग लिटरली बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। डुअल चैनल ABS तो मिल ही जाता है आप लोगों को। आफ्टर ऑल इट्स रेसिंग बाइक, रेसिंग बाइक होगा, स्पीड तो बहुत है। GT भी मैंने चला रखा है, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आप लोगों को मिलेगा। बट GT इज़ टोटली ऑन द अदर साइड, ये टोटली अलग सेगमेंट का बाइक है। Duke 390 और GT 650 का तो लड़ाई चलता ही रहता है ऑनलाइन में, मतलब सोशल मीडिया पे। बट एज ए बाइकर हम दोनों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग सेगमेंट के बाइक है, कोई कंपैरिजन नहीं बनता। तो ये कुछ वैसा डिटेल्ड रिव्यू टाइप कुछ नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है, मैं कुछ डिटेल रिव्यू वगैरह नहीं बनाता हूँ, बस आप लोगों को दिखाता हूँ, राइड करता हूँ और उसका रिव्यू देता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स है क्या नहीं है। बाकी मेरे को चला के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अभी इतना प्यारा सा लोकेशन में आए हैं हम लोग। ये जो 250 ड्यूक आप लोग देख रहे हो, ये अपना आशिक भाई का है। तो भाई कैसे हो भाई? अच्छे भाई। तो इसका इंस्टाग्राम ID यहाँ पे आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। भाई आजकल जिम बहुत कर रहे हैं, मुझे भी फॉलो कर लेना। तो अभी चलिए यहाँ से चलते हैं। वाओ क्या व्यू आ रहा है यार, बहुत मज़ा आया यार शूट करके। यहाँ पे देखो, हैव अ लुक। चलो यहाँ से चलते। कैमरा का चार्ज भी ख़त्म होने वाला है, अभी बस राइड का व्यू आप लोग एंजॉय कीजिए। इसको भी ऑन कर देते। बाय बाय। ये क्या चल रहा है? अभी थोड़ा खींचते हैं, चलो। जेती पोइबो ना धरले शेष एक बारे। अगर 250 में ही ऐसा पावर है तो सोचो 390 में क्या होगा भाई। सही है। दोस्तों बैटरी बस 3% बचा हुआ है, वीडियो को एंड करते हैं अभी यहीं पे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, बाय बाय। अभी जितना देर चार्ज टिकेगा तब तक आप लोग राइड देखते रहिए। चलो लेट्स गो।